ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਹ ਸਟicker ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਓ ਐਸੇ ਚੁੱਪਚਾਪ तो गाइस ये फ्लोटिंग मार्केट है हम तो बिना टिकट के अंदर दिया निशाने बनाने के लिए चोर 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 और कुछ करके देख भाई बोलते हैं 200 बाट के बैग तो बढ़िया थाईलैंड के साबुन हाँ ये देख जैसे आम है ना इसमें आम की ही खुशबू आएगी तगड़ी टी शर्ट वगैरह बैग्स वगैरह काफ़ी सस्ते सस्ते हैं यहाँ पे 120 बाट 150 बाट Okay. 180 give you 150 okay ye sare original hai oh aisa makdi dekh rahe guys 200 baht okay 150 is done 150 is best price give me more okay mister चुके हैं बिल्कुल रोड पे थोड़ा सा पैदल चलने के बाद सामने टाइगर पार्क है उस साइड पर फ्लोटिंग मार्केट है तो फ्लोटिंग मार्केट में भी सुना है काफ़ी बढ़िया जगह है तो टाइमिंग तो वहाँ की हो चुकी है अभी देखते हैं हमें कुछ वहाँ से मिल पाता है कि नहीं देखते हैं वहाँ पे जाके भाई फिर रोड से 2 मिनट चल के सीधा हम आ गए हैं फ्लोटिंग मार्केट की पार्किंग में वो सामने आप देख रहे हो इतना बड़ा सा जहाज सा बना हुआ है वही फ्लोटिंग मार्केट की एंट्री है तो ये सारी पीछे तक फ्लोटिंग मार्केट है आप देख रहे हो कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर वाले हैं यहाँ पे भगवान को ये पेप्सियाँ वगैरह चढ़ाते हैं जो ऊपर देख रहे हो आप पटाया फ्लोटिंग मार्केट तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको टिकट काउंटर में कोई है नहीं तो मैं टिकट पूछ लेता हूँ तो यहाँ से गाइस फ्लोटिंग मार्केट की एंट्री कितना लंच डिनर 400 बाट का है इंडियन बफे है क्या खुला जाए नहीं यार कितने दिए 200 बाट कितनी देर में अभी कह रहे 6 बजे बंद हो जाता शायद अद्धा ही है 6 बजे बंद हो जाता कितने जाने हैं 50 4 कितना खाना करता है इद्दा सेम टिकट चल जाती है ओ यार कुछ ना बड़ा वो पास हो जाते लहरा टैंक में नहीं क्या तो 6 बजे तक कह रहे थे200 बाट का पाजी ने सही जुगाड़ किया तगड़े वाला यहाँ पे मेरा तो फिर फायदा हो गया मैं अंदर हो गया मेरे को लग रहा है बंद हो गया बट मैं अंदर हो गया हूँ देख के तो मैं अंदर जा रहा हूँ भाई संग पाजी मिल गए थे ऐसे ही तो इंडियन इंडियन की हेल्प कर देते हैं मैं अंदर जाके देखता हूँ तो ये है आयो आयो तो ये है गाइस फ्लोटिंग मार्केट पूरी आप देख सकते हैं कितनी मस्त लग रही है आ जाओ ऐसे चुपचाप तो गाइस ये फ्लोटिंग मार्केट है हम तो बिना टिकट के अंदर दिए पाजी ने मेरे को टिकट दे दी थी बाकी वो खुला पड़ा था तो मैंने उन्हें भी बुला लिया कि आ जाओ वो भी अंदर आ गए तो ये है पूरी फ्लोटिंग मार्केट गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाज वगैरह कुछ है यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं आप 2 पीस 300 ओनली 300 बाहर जल्दी आओ अरे खुला हुआ था तो गाइस हम बिल्कुल पानी के ऊपर हैं हम तो बिल्कुल फ्री में आ गए गाइस ये पानी के ऊपर है सारा बना हुआ फ्लोटिंग मार्केट फ्लोटिंग मार्केट ये पता क्या बने फ्लोटिंग मार्केट फ्री में कैसे जा सकती फ्री में एंट्री हो गई तो गाइस ये है पटाया फ्लोटिंग मार्केट ऊपर पूरा बढ़िया वाला यहाँ पे पानी के ऊपर ही सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं सब कुछ फोटोशूट हाँ सारा फोटो शूट वगैरह यहाँ पे करा सकते हैं ज़्यादातर दुकानें ये लकड़ों की गन मिल रही है यहाँ पे गन ले ले
वुडन वर्क है सारा 200 to 150 बाट ओके ओके बियर के कैन पे रबड़ वाली गनों से मार रहे अच्छा अच्छा रबड़ वाली है ये ना मतलब गन्स है तुम्हें कौन सी गन निशाने बनाने के लिए शूट 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 और कुछ करके देख भाई बोलते बहुत बहुत हल्का है शॉटगन बढ़िया चीज नहीं है वैसे 200 to 500 हाँ तो ये तो ओनली थाईलैंड ना अलग अलग तरह की गन्स बना रखी है रेट है सबके 200-300 वो गन जैसी ना उसी प्रेशर से काम कर रही है ये सारी वही है पबजी वाली गन छोटी गन तो भाई वो आराम से मार रही थी ये बड़ी गन मारी है इन्होंने इतनी देखते ही मार रही है शेडी को बैन कर दिए सारे इन्होंने यहाँ पे तो गाइस पाजी ने जैसे हमारा फ्री में जुगाड़ करा दिया पूरी फ्लोटिंग मार्केट हम फ्री में घूम रहे हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया अंदर बने हुए हैं मूर्तियाँ वगैरह से बनी हुई है यहाँ पे आपको हॉट डॉग मिल रहा है पता नहीं है क्या 3-in-1 डॉग की शक्ल वाला कुछ ये डॉग की शक्ल का कुछ बना के दे रहे हैं आइसक्रीम चीज़ें आइसक्रीम दे रहे हैं डॉग वाली बना के कोई डॉग की डॉग के मुंह की 20 बात ओनली आइसक्रीम पैनकेक पैनकेक है तो 20 बात का सही है पैनकेक 20 बात ओनली How much is this for this? No have. ख़त्म हो गया यहाँ के थाईलैंड के कपड़े वगैरह खरीदने हैं तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे क्राउड तो कितनी बड़ी मार्केट है यहाँ पे काफ़ी सारे वो है कुछ भी आप यहाँ से ख़रीदना हो तो ले सकते हैं और यहाँ पे वेलकम कैफ़े बनाया हुआ है यहाँ पे आप खा पी सकते हैं जाके जाते हैं यहाँ पे वेलकम पे भी और यहाँ पे ये लेडीज़ के सामान लगा लो ये थोड़े बहुत देखने वाले बढ़िया बैग वैग यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं 200 बाट ओनली तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया है गाइस यहाँ पे बड़े बड़े बैग्स वगैरह अंदर पूरी मार्केट है कपड़ों की 200-200 बाट के बैग इतने बढ़िया ये छोटे छोटे ये वाले एक नंबर लग रहा है अच्छा लग रहा है ये जैसे आम है ना इसमें आम की ही खुशबू आएगी तगड़ी साबुन गाइस ये कितने बढ़िया बढ़िया बने हाउ मच 100 बाट के यहाँ पे आपको पर्स वगैरह भी मिल जाएंगे काफ़ी बढ़िया बढ़िया उल्लू पुल्लू स्टूडेंट है जो अभी बंद हो गया हाँ तो यहाँ पे कितने बढ़िया बढ़िया शर्टें लग रही है गाइस टी शर्ट वगैरह बैग्स वगैरह काफ़ी सस्ते सस्ते हैं यहाँ पे तो बढ़िया रेट में मिल रहे हैं ये मैं देख रहा हूँ घर पे किसी को देने जैसे रिश्तेदार वगैरह को देने हुए गिफ्ट वगैरह तो ये पर्स काफ़ी बढ़िया 100-120 वाट का एक है तो देखते हैं ले चलते हैं अभी वो कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है ले लूँ जो है वो कौन सा बढ़िया लग रहा है वरुण गाइस पर्स लेके जा रहा हूँ मैं घर के लिए तो यही है यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट अंदर सारा शॉपिंग वगैरह का सारा काफ़ी बढ़िया बढ़िया भी है ऐसे नहीं है रेट हाई है बट बढ़िया चीज़ है यहाँ पे और खाने पीने का भी काफ़ी सिस्टम है यहाँ पे बढ़िया बढ़िया तो ये पर्स मैं लेके जा रहा हूँ घर के लिए एक 1 only थैंक यू तो गाइस 40 baht में आपको ये बोट की भी सैर कराएंगे यहाँ पे बोट के अंदर ही आपको सारी मार्केटें घुमाएंगे यहाँ से नीचे से ले जाते हुए इधर उधर सारी बोटिंग करवाएंगे ऐसा नहीं है ये कुछ बेच रहे हैं 40 baht का जो तो गाइस फ्लोटिंग मार्केट भी हम एक्सप्लोर काफ़ी कर लिया हमने यहाँ पे 50 baht के में शेक वगैरह आपको मिल रहे हैं 35 baht के भी हैं वो ये बनवा लें है ही नहीं क्या बनवाएं वो है ही नहीं ये मोटी मोटी बाट के आपको
सारे शेक्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पे, कॉक वगैरह, यहाँ पे नारियल पानी वगैरह मिल रहा है 40-40 बाट के। यहाँ पे शॉप बंद हो गई, आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी सेंट्स वगैरह अंदर मिल रहे, जो यहाँ पे भी है कुछ कॉफ़ी आई थिंक, पता नहीं क्या ये यहाँ पे मिल रहा है बना। और यहाँ पे भी बैग्स वगैरह वही सारा कुछ पीछे की तरह, सारे बैग्स सजावट वगैरह घर पे करने के लिए कुछ भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो सही है दादा बीबी बाट के बक्कल वगैरह 120 बाट 150 बाट 180 ओके वेट आई सर्च और इसने पर्स निकाल दिए सारे, चाय के पर्स मैंने लिए, ये इससे खेल रही है फेंक ना दे। ओरिजिनल मकड़ी का बना हुआ है, सारे ओरिजिनल है, क्या क्या बना हुआ केक खड़ा है इसके अंदर, इसके अंदर मकड़ी है, देना देना मकड़ी वाला, ये सारे ओरिजिनल है। ओ भाई साहब मकड़ी देख रहे गाइस, ये कीड़े डाले वो हाथ में फेंक रही थी वो, इसलिए ये लो थैले में गांठ मार के दे देना, ये थैली में गांठ मार के दे दो। क्या है क्या वो, काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं गाइस यहाँ पे, और काफ़ी सस्ती भी है, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। English teacher. Yeah. Oh great. 150. Ah, 200 baht. Okay. 200. 150 is done. Mm. 150 is best price. Give me more. Okay, Mister. 150 best price. Mm. 200 baht. 200 is too much. Big amount. Huh? Big amount. 150 baht only. No. Great offer. 150 okay baht. Okay, 180. Okay. Okay, 160 is done. 160 done. Okay. 160 करवा दिया मैंने इसके बाद. ले लेंगे भी. ये लग रहा था ना ये भी. Pack. Okay. Only one? Yes. तो गाइस ऐसे बार्गेन करवानी भी आनी चाहिए आपको बाहर आके, ये नहीं इन्होंने इतने बाट बोल दिया आपने ले ली चीज दो के 220 पे आई, 200 पे आई, नो ये तो सस्ती पे आई, नो न तुम्हारी न मेरी बैल, 160 मैंने 150 भी अटका हुआ था, नो 160 ले लिया अरे भाई को बार्गेन करनी आ गया, आ रख के भी डायल फुल है, सही बार्गेन कर लेते हैं अंदर भाई। सिखाया किसने? फ्लोटिंग मार्केट यहाँ पे घूम रहे हैं, तो अब हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करके, घर के लिए भी कर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है मैंने, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं वापसी, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही ब्लॉग काफ़ी सारे आपके लिए आते रहेंगे, काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो भी मिलेगी आपको कि कैसे सस्ता, कितना सस्ते में आप बढ़िया इंटरनेशनल टूर मार सकते हैं। आगे चल के हम आ गए 7-11, कुछ देखते खाने के लिए यहाँ पे, वैसे ऐसे घुस सकते हैं आप बिना मास्क के, चुपचाप से अंदर आ जाओ, अगर उसने देख लिया तो मास्क के लिए टोक देगा आपको। ओ भाई ये तो मज़ा आने वाला है, ये बीके भाई कह रहे भरा हो, कह रहे हो भरा हो, उनको लगा ना, उनको ये नहीं पता कि हमने पिया हुआ है, भर के आ जाओ। फिनिश यार, फिनिश सही में, लो तो गाइस यहाँ पे ये खुद भरने वाला फायदा है, वहाँ पे पीते हुआ और दोबारा भर लोगे। ये भाई साहब ने दो बार तीन बार भर लिया, तीन बार पांच बार नहीं भर लिया, बार आ गया है। यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स है, इतनी आवाज आ रही, जो आप सुन सकते हैं अगर आपको आ रही हो मेरे माइक स्पीकर में, इसमें GoPro में सुनाई दे रही हो, तो ये सारे सामने भरी पड़ी है चिड़ियाएँ, वहाँ पे यहाँ पर व्यू देखो कितना बढ़िया व्यू है। 11 से फिर हम निकल रहे हैं दूसरी मार्केट की तरफ,
आगे गाड़ी हमें लेने के लिए। जितना भी हम घूमेगा आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, हमने जितना भी कवर हो सका आपको सारा कवर करके दिखाया। तो ऐसे ही ब्लॉग पार्ट में चाहे डालूँ मैं, जैसे भी डालूँ डालता रहूँगा, आप सारी वीडियो देखना और प्यार अपना प्यार देना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।